का पहले मैं सातवीं बल की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने पुनः एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कविता का नाम है मेरी माँ। ऐसा क्यों है माँ, ऐसा क्यों है माँ, दर्द मुझे होता है पर रोती तू है माँ, कष्ट मुझे होता है पर कष्ट भोगती तू है माँ, तकलीफ मुझ पर होती है पर तकलीफ दूर कर देती है माँ, घर का पूरा काम करती तू है माँ पर कोई थकान नहीं है माँ, फिर भी क्यों कोई पैसे दिल लेना है माँ, जब मुसीबत में मैं रहती हूँ मुसीबत भगा देती है माँ, बड़े नसीबों से मिलती है माँ क्योंकि हमारी भगवान तू ही है माँ। देखिए माँ के बारे में इनके कविता के माध्यम से इन्होंने माँ की महत्ता और माँ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि माँ ही हमारी जननी है, जिसके माध्यम से इस संसार में हम अपनी आँखें खोलते हैं। माँ ही वो है हमारी जीवनदायिनी है, जो जन्म लेने के बाद में भी हमारी देखरेख निरंतर करती रहती है। माँ के लिए चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए और पिताजी के लिए तो बच्चा बच्चा ही हमेशा रहता है। इसलिए आएं हम सभी मिल करके अपने माता पिता की कितनी इज्जत करें, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ गगन से भी बढ़ के है, माँ और पिताजी का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। इसलिए हम सब उनका स्वागत करते रहें, उनकी बातों पर ध्यान देते रहें और अपना उज्जवल भविष्य उनकी आदर्शों को लेकर के बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कविता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।